बादल फटने से केदार घाटी में मची तबाही के बाद आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 7 से ज्यादा यात्रियों को हेलीकॉप्टर और मैनुअल तरीके से रेस्क्यू किया जा चुका है। मलबे में दबे 2 यात्रियों के शव भी बरामद हुए हैं। ऐसे में अब उन परिवारों को अपनों की चिंता सताने लगी है जिनके अपने केदारनाथ यात्रा पर आए थे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केदारनाथ धाम से 150 लोग लापता हैं। दावा किया जा रहा है कि इन 150 लोगों का अभी तक अपनों से संपर्क नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले केदार घाटी में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। बादल फटने से रामबाड़ा और भीमबली में पैदल रास्ता पर बड़े बड़े पत्थर आ गए थे। वहीं केदारनाथ हाईवे का एक हिस्सा मंदाकिनी नदी में समा गया था, जिस कारण हजारों लोग केदार घाटी में फंस गए थे, जिसके बाद केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 शव मिलने के बाद अब कई लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 150 लोग अब भी ऐसे हैं जिनसे उनके अपनों का अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा। सोशल मीडिया पर लोगों की लापता होने की खबर मिलने के बाद रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मौसम साफ नहीं होने के कारण नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, जिस कारण कई लोगों का अपनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षित हैं और ऐसी खबरों पर ध्यान न दें। याद है कि 31 जुलाई को केदारनाथ एरिया में जो है भारी बारिश की वजह से काफ़ी जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से रोड भी क्षतिग्रस्त हुई है। लगातार जो है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। काफ़ी लोगों का जो है क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और बारिश की वजह से अपने परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, परंतु जब उनका रेस्क्यू किया गया तो काफ़ी लोगों ने अपने परिवारजनों से संपर्क भी किया हुआ है और काफ़ी लोग अपने घरों पर जो है सकुशल पहुँच भी गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी सूचनाएं चल रही है कि काफ़ी लोग मिसिंग हैं, तो जितने भी लोगों की हमारे पास सूचना आई है वो आप लोग सभी लोग अपने घरों पे जो है वो पहुँच गए हैं। तो किसी भी तरह की ऐसे अगर कोई भ्रामक सूचनाएं फैलाता है तो उसमें विश्वास ना करें। अगर आपका परिवार जनों से संपर्क नहीं हो रहा है तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जो है प्रयास में आपके सहयोग के लिए है। आप जो आपके परिवारजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है उसका कारण ये हो सकता है कि मौसम खराब होने की वजह से या कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। किसी भी तरह की भ्रामक सूचनाएं नहीं। फिलहाल अभी भी केदार घाटी में NDRF और SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सभी फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर और मैन्युअली तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से पंजाब केसरी टीवी के लिए भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।